कानपुर में कोरोना वायरस ने तेजी से पैर पसार है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी में आज हर कोई परेशान है, बेहाल है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं कानपुर के दोड़ी घाट। आपको बता दें, कानपुर की स्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि 5 जिलों में लॉकडाउन होना चाहिए, जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनौती दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में। पर आपको बताएं, सैकड़ों चिताएं कानपुर में प्रतिदिन जल रही हैं और चिताओं को जलाने के लिए भी वेटिंग नंबर दिए जा रहे हैं। आखिर क्या तैयारी हमारी सरकार ने करी थी? लोगों के बहते हुए आंसू, दर बदर भड़कते हुए तीमारदार मरीज पर एक ही उत्तर, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे भारत वर्ष को एक बड़े संकट में डाल रखा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत के आंकड़े लगातार रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। कानपुर के शमशान घाटों पर लाशों को जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही। कोरोना वैश्विक महामारी के दूसरे चरण ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा हुआ है। अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुकी है। हर घाटों से केवल एक ही खबर आ रही है, चिताएं जल रही हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। मैं भी महाराजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले दोड़ी घाट पहुँचा। स्थिति इतनी भयावह और दर्दनाक है कि घाट का निर्माण कराया गया था अंतिम संस्कार करने के लिए, वो दोपहर 11 बजे तक पूरी तरीके से भर चुका था। अब स्थिति ये है कि गंगा किनारे लाशें जलाई जा रही हैं, परिजन बेहाल हैं, उनकी स्थिति देखते बन रही है, कितने दुखी हैं। पर सरकार को अब सोचना होगा, आखिर क्या प्रयास किया जा रहा है, आखिर घाटों में इतनी भीड़ कैसे है? अगर ये कोरोना पॉजिटिव लोग भी नहीं है तब ये भीड़ है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए अलग से व्यवस्थाएँ की गई हैं। इस दुखद स्थिति के लिए आखिर सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा। ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, कमोबेश हर एक घाट से, कोई भी घाट हो कानपुर का, कानपुर में कई घाट हैं, चंदन घाट, मैस्कर घाट, भैरव घाट, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। दोड़ी घाट की बात की जाए तो ये जो कि ग्रामीण इलाके से लगा हुआ घाट है, लोग यहाँ पर आते। अब स्थिति ये है कि गंगा को बचाने की बात की जाती थी, गंगा के किनारे परिजन अपने व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं, कोरोना वायरस कि लहर से भी देखने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों का, अपने अपनों का अंतिम संस्कार करना है। आखिर सरकार क्या कर रही है? कानपुर से कैमरा पर्सन अनूप यादव के साथ अभय ठाकुर की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।